सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर घृत मंडल के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 4 क्विंटल शुद्ध देसी घी को मक्खन बनाकर भोले बाबा की पिंडी में लेप करके इसे सूखे मेवों से सजाया जाएगा। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर घृत मंडल के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 4 क्विंटल शुद्ध देसी घी को मक्खन बनाकर भोले बाबा की पिंडी में मकर संक्रांति के दिन लेप करके इसे सूखे मेवों से सजाया जाएगा। इससे पूर्व देसी घी को पिघलाकर ठंडे पानी से 108 बार धोया जाता है तथा माखन तैयार किया जाता है। घृतमंडल बनाने की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो 3 दिन तक चलेंगी। मकर संक्रांति के दिन दोपहर बाद इसे बाबा भोलेनाथ की पिंडी में चढ़ाकर एक विशाल शिवलिंग तैयार किया जाएगा। इस घृतमंडल को तैयार करने के लिए कांगड़ा स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर से आए पुजारी उमा शंकर शर्मा, अजय शर्मा व दिबाकर शर्मा तथा स्थानीय मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र शर्मा, सुरेंद्र आचार्य, अन्य पुजारियों की टीम इस घृत मंडल को तैयार करने में जुट गई है। पुजारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं व मंदिर प्रशासन के सहयोग से इस बार लगभग 4 क्विंटल शुद्ध घी को भगवान भोले पर चढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुद्ध देसी घी को 108 बार पानी में धोकर माखन तैयार किया जाता है तथा शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है तथा मकर संक्रांति के दिन दोपहर बाद इसे भोले बाबा के पिंडी में लेप करते हुए चढ़ाया जाएगा तथा इसका श्रृंगार तरह तरह के सूखे मेवों से किया जाएगा तथा ये घृत मंडल 21 जनवरी तक शिवलिंग पर रहेगा। 21 जनवरी के बाद इस मक्खन को शिवलिंग से हटा दिया जाएगा, जिसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है तथा औषधि के रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है। आज से की तैयारी शुरू होने जा रही है बाबा भैरनाथ के शिवलिंग के ऊपर। हम आज दोपहर के बाद घी को गिराकर मक्खन तैयार करेंगे। ये काम जो है लगातार 13 तारीख तक चलेगा और मकर संक्रांति के दिन 20 तारीख को भैरनाथ के शिवलिंग के ऊपर घी का लेप करके और उसकी तैयारी करके इसके मेवों के साथ ड्राई फ्रूट के साथ उसका श्रृंगार करेंगे। तो ये लगभग कोई 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक रहेगा। 21 तारीख को सुबह 4 बजे से उतार कर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे।